चलचित्र अभियान की और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। पहले ही सही था, मजदूरों के हक में, मजदूर तो लग जाती, टाइम पे मिल भी जाता, अब तो साला वो भी नहीं। देखो काम तो बेचारा बढ़िया कर रहा, फिर मजदूरों को बेचारों को पल्ले नहीं पड़ रहा। अगर सरकार 5 किलो अनाज देकर उनका पेट भरती हो तो हर साल भाजपा को खड़ा करो और हर साल उसकी सरकार लाओ। बसे हैं प्राइवेट कर दी, लाल किला बेच के वो खा लिया, बता क्या रहेगा इसमें, आप बताओ। किसानों का हित में तो इन्होंने बहुत करा, बिजली भी फ्री कर दी कि और कर्जा भी मुफ्त कर दिया, लेकिन मजदूर के हित में ना बिजली मुफ्त है ना कर्जा मुफ्त है, मजदूर तो बस पिस रहा है यहाँ से। अरे अमीर लोग का किसका बच्चा सरकारी स्कूल में पढ़ रहा, सब प्राइवेट में जा। घर घर से वोट मिली भाजपा को, लेकिन प्रदीप चौधरी जी कभी गाँव के बीच किसी भी तत्पर मजदूर काम कर रहे कहीं भी बीच में नहीं आए। को इक राशन को 70% वोटिंग होगी, 70% इक राशन की तरफ रहेगा। शीशे में आपका स्वागत है, हम उत्तर प्रदेश के जिला शामली में है और ये कैराना लोकसभा सीट है। बात करेंगे 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर। मैं जहाँ खड़ा हूँ ये जो जगह है मजदूरों की, एक तरह से इसको फट्टा कहा जाता है, जहाँ पर मजदूर इकट्ठा होता है मजदूरी पे जाने के लिए। यहाँ पर एक ऐसे मजदूर खड़े हैं जिनको आज मजदूरी उनकी नहीं लग पाई है। उसी बीच हम देश में हो रहे लोकसभा चुनाव को लेकर बातचीत करेंगे कि जो मजदूर तबका है उनका क्या कहना है चुनाव को लेकर, और अपनी समस्या और अपने मुद्दों को लेकर इन चुनावों में मजदूरों का क्या कहना है। हम जी भाई साहब, क्या नाम, कहाँ से, कौन से गाँव से? मलकपुर। क्या नाम अपना? साजिद। साजिद भाई, यहाँ रोज आते हो मजदूरी के लिए? हाँ। अच्छा, क्या आज क्या सीन हुआ, आज नहीं मिला काम? आज नहीं मिला। अच्छा, रोज ऐसे ही हुआ है या कभी कभी? हाँ कभी कभी भी हो जाए, दूसरे तीसरे दिन भी हो जाए। तो गांव से आप ही आओ या और भी साथी लोग भी आओ? अच्छा, तो आज आपको नहीं मिला काम, क्या समस्या है? रोजगार की बड़ी देश में ही दिक्कत है। आपके साथ कैसी है समस्या? है काम बतावे दो दिन का, अकबर दो दिन का काम करवा दो, एक दिन में पैसे देते नहीं, समस्या है, पैसे नहीं देते। मजदूरी नहीं बढ़ रही कुछ इस तरह से? मजदूरी नहीं बढ़ रही। अभी कितनी है आज के दौर में? 500। 500 रुपए मिला है शाम तक के? हाँ। और कितने घंटे काम ले हुए? 8 बजे तक, 5 बजे लो। भाई क्या नाम आपका? अच्छा इसरार भाई, ऐसे ही बात कर रहे थे, क्या स्थिति है मजदूर की आज के दौर में? खत्म है जी बिल्कुल, एक दिन मिल गई तो दो दिन खाली पड़े, ज्यादा तो कुछ नहीं आते, तो काम करवा के देते भी नहीं, पैसे नहीं देते। क्या भाग जा, लोग तो कह रहे कि देश बड़ी तरक्की कर रहा। नहीं, देश तो और डूबता जा रहा तरक्की की बजाय। क्या कह रहे इसरार भाई? माँ कुछ नहीं, तरक्की है कुछ नहीं है, विरान नहीं है बस। ये तो कह रहे विश्व गुरु बन रहा भाई, मोदी जी ने बहुत काम कर दिया देश में, भूखे मरे पड़े। सही, इनका काम कैसा लगा आपको 5-10 साल का? हम तो कैसा, मजदूरों के पहले ही सही था, मजदूरों के हक में, मजदूरी तो लग जाती, टाइम पे मिल भी जाता, अब तो साला वो भी नहीं, कर लिया नहीं पड़े, भूखे। और महंगाई वगैरह का असर पड़े? बहुत महंगाई, मोदी काम कर रहा पर मजदूर की तरफ फोन देख रहा, बस बात है। ये क्या काम कैसा लगा मोदी सरकार का, मजदूरों के हक में कैसी रही? भाई देखो काम तो बेचारा बढ़िया कर रहा, फिर मजदूरों को बेचारों को पल्ले नहीं पड़ रहा। काम उनने मकान भी दिए हमें, मकान भी दे रखा 2.5 लाख रुपए का, तो उसने हमें मजदूरी का हिल्ला नहीं कोई हमें मिला। आसपास यहाँ रोजगार नहीं है कुछ, फैक्ट्री है? कोई फैक्ट्री नहीं है, कोई वो नहीं है। क्या नाम भाई? काम नहीं है कुछ यहाँ आसपास? आसपास काम नहीं मिलता कुछ, इस तरह लगा बंदा आगे हुआ दो मैं नहीं, मुझे दे दो। इतने महंगा है रे काम, मजदूर आदमी का लगना मुश्किल हो रहा। महंगाई बढ़ गई, महंगाई बढ़ गई, 160 रुपए धड़ी तो अट्टो हो रहा, बताओ 500 रुपए एक डाल चले, उसका 10 रुपए का नोट चला गया, 500 रुपए गुजारा नहीं होता बिल्कुल। क्या कह रहे थे? 300 रुपए का ठेला हुआ है भाई, 4 दिन चले अट्टे का। हाँ मोदी सरकार वैसा राशन देते है बीच में, हो गई मोदी होगा ऐसा क्यों लगे? 100% है सरकार इसी की है, तो फिर ये कौन सा रोकने वाला है? गड़बड़ी हो जाएगी, गड़बड़ी वाली बात नहीं, ऊपर दोनों सरकार है।
और होगा ईटा गरीब आओ या ना आओ इसके बाद समस्या क्या लगी सरकार में आपके साथ? बढ़िया है सरकार, फिर यही होगा यार। मजदूर तो कह रहे काम नहीं है, धंधा नहीं है ना, हो काम, काम भी देगा ऊपर वाला देगा। ये सब मकान दे दे मोदी ने। अच्छा भाई क्या कर रहे हैं? ये सरकार ने, दोनों सरकार ने मां चोद रखी, भट्टाचार हो रहा, कुछ नहीं था धंधा पानी भाई से। तो जो ये डाल चले जाए कर के देगा, पर सिंह चलेगा क्या रे? बढ़िया काम चल रहा जी। ये तो बकचोदी कर रहे हैं सर, पीना खाना वाला आदमी से क्या पता। ओ मारा भाई आ लिया ये भाई से बात करेंगे। नमस्कार। नमस्कार भाई जी। क्या नाम भाई? अशोक कुमार कश्यप। अशोक भाई ऐसे ही हम मजदूरों के बीच पूछ रहे थे चुनाव उनाव की बात है ना, क्या लग रहा कैराना सीट है, किस तरह से देख रहे? देखो सीट तो अपना अपने सब अपनी जगह सही है, और जो भी लिगड़ागा अपने विश्वास से लिगड़ागा, इसमें भाजपा की यार सब पकी कोई वो नहीं है, जो भी लिगड़ागा अपने विश्वास से लिगड़ागा, अपने काम से लिगड़ागा। अगर सरकार 5 किलो अनाज देकर उनका पेट भरती हो तो हर साल भाजपा को खड़ा करो और हर साल उसकी सरकार लाओ है? लेकिन 10 साल से तो है सरकार, फिर 10 साल भाई सरकार इनके वोटर तो ये भी लोग हैं, वोट करते हैं। पहले सरकार रही, इससे पहले ना आज नहीं मिला कितना कर्जा आज के दौर में सरकार पे और जनता पे? लाखों रुपए हो गया। पहले कितने था? 64 लाख कुछ था, 1 लाख कुछ। पहले 55-60 हज़ार रुपए कर्जा था एक आदमी पे, इब्जा 1 लाख करीबन 25-35 हज़ार रुपए कर्जा एक आदमी पे, बच्चे पे होते हुए पे भी। फिर पहला कर्जा कम था, अब जा कर्जा जा, तेरे पे भी कर्जा इतना ही है, मेरे भी इतना ही है। लेकिन ये तो कह रहे देश विश्व गुरु बन रहा, हमारा इंटरनेशनल पहचान आ रहा, मोदी जी बहुत काम कर रहे हैं। कदे का मुंह विश्व गुरु बन गए, कदे का मुंह लूट मस्से गए प्राइवेट कर दी, लाल किला बेच के वो खा लिया, बता क्या रहेगा इसमें आप बताओ। लेकिन कह रहे मोदी जी बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, मकान दे दिए, एक रात एक काम तो अच्छा करा उन्होंने, लूटने का लूट खसोट तो खत्म कर दी लोगों की, बाकी अपनी जेबें भर रहे हैं, समझ गया आप? मजदूरों के हक में कैसी रही? मजदूरों के हक में क्या, चोते तड़के अपने घर तक अपने घरवाड़ियों को नुकाए, कहने लगा लाभ 50-100 रुपए पड़ेगा, क्या रोजी कहने लगा, वहाँ जाओ रोटी बांध के फट्टे पे। और यहाँ से है क्या, अगर कोई से भी जेब बन गया तो मुझे चरण दिखा दो, मैं जिंदगी को लाऊ, मुझे थारी बताओ क्या गलती है इसमें मजदूरों की? मजदूर यहाँ से सुबह वे 5-10 की 20 की दिहाड़ी लग गई, बाकी सारे के सारे यहाँ बावड़ों की झाड़ी खड़े रहे, जेब में पैसे नहीं मिलता किसी भी, गाड़ी में लटक लटक का जाए और किसी का हाथ देगा बाबूजी रोक लिया मुझे वालों जाना, फिर ये लटक लटक का जा कहाँ से मजदूर आ जाए इस जगह पे? ये यहाँ से रामपुर रामपुर लोग के मजदूर आते हैं, यहाँ से मनोत्ता रामपुर लोग के मजदूर आते हैं यहाँ से। अब बताओ उनकी जेब में पैसे भी लटक लटक का जाते हैं गेम में, अब बताओ किनकी जेब में बेचारे पैसे नहीं होते हैं, मजदूर यहाँ लगती नहीं, और कुत्ते की डाले से भागेंगे जो एक 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 तो मालिका होगा मजदूर लेने उसके पीछे 100 भागेंगे, बाबूजी मुझे ले चलो, बाबूजी जब तक मुझे मुझे ले चलो, रोजगार इनके पल्ला है नहीं, गरीब आदमी के कुछ भी नहीं करा। क्या नाम, क्या कह रहे? सरकार ने मजदूर के हित में कुछ नहीं करा, सरकार ने किसान भर दिए और किसान इन्हें वोट नहीं देता, मजदूर इनका वोटर है लेकिन मजदूर की तरफ कोई इशार नहीं करा इन्होंने, मजदूर की मजदूरी भी नहीं दे रहे, विश्व गुरु की तरफ बनने जा रहे हम, कुछ नहीं बढ़ता, कह रहे हैं विश्व गुरु बनने जा रहे हैं हम, भारत देश तरक्की कर रहा, तो मजदूर की हालत यह है, विश्व गुरु तो पहले भी था आज भी है आगे भी रहेगा, विश्व गुरु तो रहेगा लेकिन मजदूर की खस्ता हालत बहुत खराब है, और मजदूर को ना तो मजदूरी है ना रोजगार है, कुछ नहीं है मजदूर के लिए, और कटोरा अरे रुक तो जा एक मिनट, और भाई किसानों का हित में तो इन्होंने बहुत करा, बिजली भी फ्री कर दी और कर्जा भी मुफ्त कर दिया, लेकिन मजदूर के हित में ना बिजली मुफ्त है ना कर्जा मुफ्त है, मजदूर तो बस पिस रहा है यहाँ से। अरे राशन दे रहे हम इतने 80 लाख लोग, 5 किलो राशन में कुछ नहीं होता, 5 किलो राशन में 10-10 आदमी है और 5 का राशन मिला है, 10 का थोड़ा ही मिल रहा, और बच्चों की पढ़ाई लिखाई की क्या स्थिति? कुछ नहीं मिल रहा, कुछ नहीं मिल रहा। अगर बच्चों की पढ़ाई लिखाई की बात करो, मजदूर के जो बच्चे हैं उनकी क्या स्थिति, पढ़ाई आपकी आपके बच्चों की हो पा रही सरकार में? खराब स्थिति है मजदूर के बच्चे की, सरकारी स्कूल में पढ़ा है, अरे अमीर लोग का किसका बच्चा सरकारी स्कूल में पढ़ रहा, सब प्राइवेट में जा, बड़े बड़े स्कूलों में जा, गरीब का बच्चा किसका बड़े बड़े स्कूल में जा रहा? तो सरकार क्यों नहीं बनाती स्कूल अच्छे इनके लिए? अच्छे अच्छे पढ़ाए भी तो, लेकिन जो वहाँ के बच्चे मास्टर टीचर है मैं उन्हें पढ़ाने के नहीं, क्यों नहीं पढ़ाने के? उनकी जनरल नॉलेज भागना बढ़ जा गरीब बच्चे की, नू नहीं आई बुना पढ़ाते। तो सरकार अगर मामला टाइट करे तो पढ़ाऊंगी टीचर, टाइट कर प्राइवेट में तो हो रही सब कुछ, बताओ
कौन सा नेता बड़े स्कूल नहीं चाहती की बच्चे पढ़े मजदूरों के, चाहती नहीं सरकार, कोई भी बड़ा अमीर आदमी नहीं चाहता गरीब आदमी बच्चा पढ़ ले और पढ़ कर कुछ कहीं अच्छी नौकरी पर हो जा। कोई कोई अमीर आदमी का चाहता हो बता दो, गरीब आदमी का बच्चे कोई देकर खुश नहीं है। आज का दौर ये है कि गरीब को देकर कोई खुश ही नहीं, नेता तो लेकर कोई कहीं चले जा, तू पुलिस थाने में चले जा, कहीं बड़े उसमें चले जा, तहसील में चले जा, गरीब आदमी कहीं सुनवाई नहीं, अमीर के साथ तो सर कुर्सी मिलेगी बैठ कर। आओजी बाबूजी बैठो। तो नेता की आप बताइए बात करी, ये कराना लोकसभा सीट पड़ा है, सांसद भी रहे आपके यहाँ भाजपा से प्रदीप चौधरी, हाँ रहे हैं है ना, उनका कैसा कार्यकाल रहा, कैसा पांच साल दिखे भाई बताओ भाई, तो प्रदीप चौधरी जी पांच साल नहीं दिखे, वोट मांगा अगर एक मिनट मजदूरों के बीच आए कभी नहीं, कभी नहीं आए, गांव में वोट मिली, घर घर से वोट मिली भाजपा को, लेकिन प्रदीप प्रदीप चौधरी जी कभी गाँव के बीच किसी भी तत्पर मजदूर काम कर रहे कहीं भी बीच में नहीं आए, आज लोग पांच साल में दिखे ही नहीं भाजपा सरकार में। अगर कोई हादसा हो जाए मजदूर के साथ या कोई दिक्कतें हो जाए, या कभी नेता है जो क्षेत्रीय नेता है किसी भी पार्टी को, कभी किसी भी पार्टी का कोई नेता हो कभी भी कोई काम नहीं आया, लोग तो नेता का काम ही नहीं है, मजदूर तो आया ही नहीं, इस बार क्या लग रहा कराना सीट पर अगर मजदूर, तीन विधानसभा सीट पहले चुनाव हुए शामली पे, तीनों की तीनों भाजपा सरकार हारी, कारण क्या है, कारण यहाँ भाजपा सरकार इस क्षेत्र में काम नहीं कर रही, पैसा लूटना कुछ लूटना इनके सरकार का काम है। लोकसभा की भी हम बातचीत कर रहे थे, इकरासन है, इकरासन है, प्रदीप चौधरी है और भी कई लोग आ रहे हैं। देखो इकरासन को 70% वोटिंग होगी, 70% इकरासन की तरफ रहेगा मजदूर, हाँ जी भाजपा की तरफ जी भाई लगे भाजपा की तरफ नहीं, क्योंकि लोकसभा चुनाव में प्रदीप चौधरी जी बिल्कुल भी सामने नहीं आए, नाराज है मजदूर बिल्कुल जी नाराज है जी। हम जिला शामली में थे, मजदूरों का फट्टा कहा जाता है जहाँ पर मजदूरी के लिए इकट्ठा होते हैं लोग, आसपास के लोगों से बातचीत की यहाँ के मजदूरों से और कोशिश की कि इस बार लोकसभा चुनाव को लेकर मजदूरों का क्या कहना है, सबकी अपनी अपनी राय है, जुड़े रहे सीसीए से, उत्तर प्रदेश से आपको खबरी आती रहेगी, धन्यवाद।